हेलो एवरीवन, आज स्पेशल कुकिंग में मैंने बनाया है रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी वाली मैगी। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही इजी स्नैक्स है। चलिए शुरू करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी मैगी को बनाना। ग्रेवी मैगी बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है और इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाला है और इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, सूखी हुई हरी मिर्च, आप चाहें तो लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम इसमें डालेंगे 2 बड़े कटे हुए प्याज। हमको ऑनियन की ग्रेवी बनानी है तो हम इसी समय डालेंगे इसमें नमक ताकि ऑनियन सॉफ्ट हो जाए। प्याज हल्के गुलाबी हो गए हैं और ये सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, इसको 1 मिनट के लिए मिला लेंगे। अब हम इसमें तुरंत पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस, आप चाहें तो इसमें टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको आप बाद में डालें, इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है। इसमें बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मैगी को। अब हम मैगी को ढक देंगे और हम इसको 1 बॉयल आने तक पकाएंगे। मैगी में 1 उबाल आ चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मैगी के टेस्ट मेकर को। और कुछ सेकंड के लिए इसको हम चलाते हुए पका लेंगे। हमारी मैगी काफी अच्छे से पक चुकी है, आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना रखिए, मुझे इतना ग्रेवी पसंद है, मैं इतना ही ग्रेवी रख रही हूँ। तो हमारी परफेक्ट मैगी बनकर अब तैयार हो चुकी है। हमारी परफेक्ट ग्रेवी वाली मैगी बनकर तैयार है, आप इसको सुबह या शाम नाश्ते में बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।